नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या उस रात वो जो कह सकती हैं एक काली रात थी शबनम और सलीम के जीवन में या उसके परिवार के जीवन में, क्या उस रात शबनम और सलीम की गलती थी। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही आज इस वीडियो में आप लोगों की हेल्प चाहिए। आप लोग जितने सारे लोग देख रहे हो सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक जितना मैंने शबनम के ऊपर वीडियो बनाया है, जितना सारा वीडियो बनाया आप सब लोगों ने दिल से प्यार किया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। लेकिन इस वीडियो में आप सब लोगों की हेल्प चाहिए कि आप लोग सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और आपकी मैं बात ये जानना चाहूँगा कि उस रात जो कह सकते काली रात थी, उस रात क्या शबनम ने गलती की या सलीम ने गलती की, दोनों ने मिल करके ये गलतियाँ की, या उस रात शबनम सलीम की कोई गलती नहीं थी, ये आपको बताना होगा हमें कमेंट बॉक्स में। ये सबसे बड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि इसका जवाब आप लोगों को देना चाहिए। और आप लोग अगर वीडियो देखते हो, पसंद करते हो, तो इसका ज़रूर लाइक और कमेंट तो ज़रूर ही करना, क्योंकि आपका कमेंट से ये पता चल पाएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शबनम और सलीम ने उस रात गलतियाँ की थी। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल कंटेंट्स आपको हमारे चैनल के द्वारा ही आप तक पहुँचता है। दोस्तों बता दूँ आपको कि उस रात से, उसके बाद से जब से शबनम को सज़ा हुई, जब से पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद से शबनम ने कहा नहीं मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे और सलीम को फंसाया जा रहा है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसा शबनम कैसे कह सकती है? क्या शबनम सही में शबनम को फंसाया गया? क्या शबनम को मतलब प्रॉपर्टी के लिए सारा काम किया गया है? क्या सारे परिवार को ख़त्म किया गया है? या फिर शबनम झूठ बोल रही है कि शबनम ने ऐसा जानबूझ के करके और दूसरों का नाम फंसाने की कोशिश कर रही है, इस केस से बाहर आने की बात कह रही है बार बार। इसलिए शबनम अभी जो है सीबीआई जांच की मांग कर रही है, क्योंकि मैं बता दूं इसके दो पहलू हो सकते हैं शबनम के। सीबीआई जांच करने का मतलब होता है कि आपको फिर से केस को खंगाला जाएगा, सीबीआई अपने तरफ से सारा कुछ देखेगी, सारा कुछ समझेगी, बैकवर्ड में क्या हुआ था, उस समय क्या सिचुएशन था, वहाँ से लेकर के अभी तक का क्या सिचुएशन है, सब कुछ सीबीआई खंगालेगी। इसमें क्या होगा, इसमें टाइम लगेगा और भी ज़्यादा, तो शबनम के पास और भी ज़्यादा समय होगा। तो क्या ये कारण है, या फिर शबनम खुद ही बेगुनाह है, उसे फंसाया जा रहा है, क्या ये कारण है? तो इन सब सवालों का जवाब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि आप लोग हमारे व्यूअर्स हो और आप लोग का जो जवाब होगा मैं जानता हूं, जो कह सकते हैं जो सच्ची जवाब होगा या जो मतलब सटीक जवाब होगा वही आप लोग दोगे। आप लोगों को क्या लगता है वो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए ज़रूर बताने की कोशिश करें, ताकि और भी लोग इसके बारे में जान सकें। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अगर कोई भी कुछ भी अपडेट आता है शबनम केस से रिलेटेड, वो सबसे पहले आप तक पहुँचाएगा हमारा चैनल। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।